हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल्स, प्रभावशाली विद्यालय की विशेषताएं क्या होती है, प्रमुख विशेषताएं, उसको जानेंगे, उसको विस्तार से डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बच्चों, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हम रिकैप देख लेते हैं। हालांकि इस वीडियो में बात की गई थी विद्यालय की अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, महत्व, उद्देश्य के बारे में, लेकिन हम इस वीडियो को शुरू करते हैं एक बार पिछले चीज़ों को रिकैप करते हुए, देखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे कि प्रभावशाली विद्यालय की क्या विशेषताएँ होती हैं। मतलब वह विद्यालय जिसके अंदर ये सारे गुण अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि यह एक इफेक्टिव प्रभावशाली विद्यालय। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं कि हमने स्कूल्स के बारे में क्या डिस्कस किया था। तो सवाल आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि विद्यालय की अर्थ एवं परिभाषाएं बताइए। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, विद्यालय इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो दो तरीके से आप इसके अर्थ की व्याख्या कर सकते हैं। पहला विद्यालय, दूसरा स्कूल। जैसे विद्यालय की अगर हम बात करें तो विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय। आलय का मतलब क्या होता है? वह स्थान जहाँ पे वो चीज़ें रहती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अनाथालय, तो अनाथालय क्या है बच्चों? जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं। तो विद्यालय क्या है? विद्यालय अनाथों का घर, अनाथालय तो विद्या का घर। तो आप अगर इसकी अर्थ की व्याख्या करते हैं तो लिखिए विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय, अर्थात विद्या का घर, अर्थात वह संस्था, वह स्थान, वह जगह या वह घर या वह मकान जहाँ पे बच्चों को विद्या दी जाती हो वो विद्यालय कहलाता है। यह इसकी एक अर्थ की बात हो गई। अगर हम दूसरे अर्थों की बात करें, स्कूल शब्द, स्कूल शब्द कहाँ से आया? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कूला या स्कूले नामक यूनानी शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है अवकाश। अब यहाँ पे मजे की बात है, स्कूला का एग्जैक्ट मतलब होता है अवकाश, छुट्टी, लेकिन हमें अपने स्कूल से छुट्टी चाहिए होती है। यह बात कुछ विचित्र सी जान पड़ती है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए एल एफ लीच ने लिखा था, वाद विवाद या वार्ता के स्थान। वास्तव में होता क्या था कि एथेंस के समय पे जो युवा थे वो अपने खाली समय को, अपने अवकाश के समय को एक निश्चित जगह पे आके, निश्चित स्थान पे आके व्यतीत करते थे। ठीक है, धीरे धीरे युद्ध की बात होने लगी तो वहाँ पे उस खाली स्थान पे उनको प्रशिक्षण दिया जाने लगा, बैठ के विचार विमर्श होने लगा, मीटिंग होने लगी, शिक्षा देने लगी। तो धीरे धीरे से वो अवकाश का समय, वो अवकाश, वो खाली जगह एक प्रशिक्षण केंद्र बन गया, एक स्कूल के नाम से जाने लगा। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया कि एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय खेल कूद, व्यवसाय और युद्ध प्रशिक्षण बिताते थे। धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। एकेडमी के सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने अवकाश के माध्यम से विद्यालय का विकास हुआ। तो इस प्रकार से शब्द जो है स्कूल हमारा यहाँ पे फॉर्म में आया। चलिए अगर हम विद्यालय की कुछ परिभाषाओं की बात करें तो जॉन डीवी, आपको पता होगा जॉन डीवी ने कहा था कि जो शिक्षा होती है वो त्रिमुखीय प्रक्रिया है। ये बहुत ही कई बार आपसे पूछा जाता है। तो जॉन डीवी ने विद्यालय के बारे में क्या कहा कि इसकी ज़रा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है, यहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार के क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो सके, सही दिशा में हो सके। तो यहाँ पे हो गई बात बच्चों इसकी परिभाषा की, और भी परिभाषाएं दी गई हैं, हालांकि इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। हम आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे। हमारा मेन मुख्य प्रश्न क्या था बच्चों? हमारा मुख्य प्रश्न था कि विद्यालय, प्रभावशाली विद्यालय की क्या विशेषताएँ होती है, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो प्रभावशाली विद्यालय कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इन चीज़ को हम देखेंगे। तो देखिए, प्रभावशाली विद्यालय वे होते हैं जो अपने सभी विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी प्रगति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हों। प्रभावशाली विद्यालय अफेक्टिव स्कूल किसे कह सकते हैं? जो कि बच्चे जो सीखने वाले हैं उनके अधिगम को, उनके लर्निंग को एक प्रभावशाली, एक प्रोग्रेसिव वे में आगे की तरफ बढ़ाएं, तो वो विद्यालय प्रभावशाली विद्यालय होगा। इसके अलावा भी कोई प्रभावशाली, कोई इफेक्टिव लीडर कैसे होता है? जो अपने देश के नागरिकों को, जो अपने समाज के नागरिकों को उन्नति की ओर ले जाए, देश को आगे ले जाए, वो प्रभावशाली लीडर होता है। तो प्रभावशाली विद्यालय भी वही विद्यालय होता है जो अपने विद्यालय के अंदर के छात्रों को एक प्रगति की ओर ले जाए, उन्नति की ओर ले जाए, उनको अधिगम को आगे बढ़ाए और उनके विकास का, सर्वांगीण विकास करे। तो ये हो गई बात प्रभावशाली विद्यालय की। अब आइए यहाँ पे देखेंगे, इस क्षेत्र में अनुसंधान हुए हैं और उनके आधार पर तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप प्रभावशाली विद्यालयों की 9 विशेषताओं का पहचान लिया गया है। मतलब 9 विशेषताएं यहाँ पे पहचान की गई कि अगर ये 9 विशेषताएं
9 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी बच्चे के अंदर होती हैं, सो यू कैन से कि वह विद्यालय सॉरी किसी विद्यालय के अंतर्गत होती है, तो आप कह सकते हैं कि वह विद्यालय एक प्रभावशाली विद्यालय के रूप में जाना जा सकता है। अब वो क्या है बच्चों, पहला सबल और व्यवसायिक सिद्धांत, यानी कि स्ट्रांग एंड द प्रोफेशनल प्रिंसिपल, जो भी विद्यालय हो ना उसका प्रोफेशनली एक अच्छा प्रिंसिपल हो, एक अच्छा सिद्धांत हो, उसका वो काफ़ी स्ट्रांग भी हो। आगे अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, सबल और व्यवसायिक अध्यापक वर्ग, स्ट्रांग एंड प्रोफेशनल टीचर्स, सुस्पष्ट और सकारात्मक दर्शन, क्लियर एंड पॉजिटिव फिलॉसफी या क्लियर एंड पॉजिटिव विजन। आपका दर्शन जो है ना वो सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, आपको कहाँ लेके जाना है, क्लियर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अधिगम के अनुकूल पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट होना चाहिए उस विद्यालय का वो लर्निंग के अनुकूल होना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडक्टिव टू लर्निंग। प्रभावी विद्यार्थी हितकारी तन, स्टूडेंट वेलफेयर, इफेक्टिव स्टूडेंट वेलफेयर सिस्टम होना चाहिए, सुदृढ़ संगठन ढांचा, स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन स्कूल को चलाने वाले संस्थापक व्यवस्थापक जो भी चीज़ें वो एक संरचनात्मक और एक संगठन तरीके से होनी चाहिए। विस्तृत एवं संतुलित पाठ्यक्रम, ब्रॉड एंड बैलेंस करिकुलम, या फिर आप कह सकते हैं फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, पाठ्यक्रम थोड़ा विस्तृत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी एक पक्ष पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या किसी एक विषय पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो विस्तृत होना चाहिए लेकिन बैलेंस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इतना विस्तृत हो कि बच्चे कुछ नहीं समझ पाए। सो बैलेंस्ड एवं ब्रॉड करिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए बच्चों। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सार्थक स्तर निर्धारण और विद्यार्थियों की प्रगति विवरण का उल्लेख, मतलब सार्थक स्तर निर्धारण, अगर किसी बच्चे को आप प्रमोट कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये मीनिंगफुल होना चाहिए, किस अर्थ में आप उस बच्चे का इवैल्यूएशन ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, एग्जाम, तो ये सार्थक होनी चाहिए। और अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी संबंधी सहयोग, मतलब उस बच्चे के विकास में अभिभावक और समाज का भी एक सहयोग होना चाहिए। तो ये टोटल 9 पॉइंट्स हैं, इन 9 पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। अब इसके अंदर क्या लिखना है वन बाई वन देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है, बस इन 9 पॉइंट्स को आप अपने अंदर ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला था सबल एवं व्यवसायिक मुख्याध्यापक, या कहीं कहीं इसको प्रिंसिपल्स कहा गया, सिद्धांत कहा गया, वास्तव में ये मुख्य अध्यापक की बात की जा रही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंसिपल, जो भी उस व्यवस्थापक हो, जो भी उस स्कूल का प्रिंसिपल हो, इज क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड, अनुभव हो, ठीक है, क्वालिफाइड हो और कॉम्पिटेंट हो, अर्हता प्राप्त हो, तो ये बात हो गई इस प्रिंसिपल्स की क्वालिटी की। ये बिल्कुल वो पॉइंट्स हैं जो कि आप स्वयं से भी लिख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें बच्चों, कि प्रोवाइड्स लीडरशिप एंड विजन फॉर द स्कूल कम्युनिटी, विद्यालय समुदाय का नेतृत्व प्रदान करने वाला हो और अंतर्दृष्टि से सुसंपन्न हो, जो प्रिंसिपल्स हो वो एक लीडर हो, ऑब्वियस सी बात है उन्हीं को लीड करना है, पूरे स्कूल्स के इन्वायरमेंट को, पूरे टीचर्स टीचिंग एक्टिविटीज़ को, तो उस प्रिंसिपल्स को लीड करना हो, तो ये क्वालिटी अंदर उसके अंदर अगर होती है तो वो विद्यालय क्या होता है बच्चों, इफेक्टिव और प्रभावशाली होता है। तो हम उसकी विशेषताएँ देख रहे हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से स्ट्राइव टू इम्प्रूव द स्कूल, यहाँ पे विद्यालय को सुधारने के लिए प्रयत्नशील हो, मतलब वो विद्यालय को और बेहतर बनाए, सुधारे, मैनेज रिसोर्सेज वाइजली, जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उसको मतलब चतुराई से अच्छे से उसका इस्तेमाल करें। प्रिंसिपल्स की क्वालिटी में बात करी जा रही है, वर्क्स कोऑपरेटिवली विद स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, उसको स्टाफ के साथ और स्टूडेंट के साथ कोऑपरेटिव के साथ काम करना है, वर्क कोऑपरेटिवली विद द पेरेंट्स एंड द पीसी एंड द स्कूल बोर्ड। प्रिंसिपल का ये काम होता है जो कि स्टूडेंट के साथ, पेरेंट के साथ, बोर्ड के साथ एक कोऑपरेट तरीके से काम करे, तो ये वो सारे पॉइंट है बच्चों। प्रमोट्स पेरेंट पार्टिसिपेशन इन द स्कूल एक्टिविटीज एंड स्टूडेंट लर्निंग, अभिभावकों के सहभागी या अभिभावकों के भागीदारी को वो प्रोत्साहित करें बच्चों के विकास में, ठीक है। प्रमोट्स हाई स्टाफ मोरल, स्टाफ के मनोबल को बढ़ाने वाला हो, मोटिवेट करने वाला हो, स्पीचेस देने वाला हो, इस प्रकार से प्रिंसिपल्स हो और स्टाफ के निरंतर अध्ययन और विकास को बढ़ावा देता हो, वो ये भी सुनिश्चित करता हो कि जो हमारी स्टाफ है, जो टीचर है, क्या उनके अंदर भी कुछ विकास हो रहा है, वे भी कुछ चीज़ें सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, वो किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उस प्रिंसिपल्स के अंदर गुण होनी चाहिए, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि सबल एवं व्यवसायिक अध्यापकगण, हमारे जो टीचर हों वो भी काफ़ी प्रोफेशनल हो, स्ट्रांग हो, स्ट्रांग मतलब गुड हो, अच्छे हो, ठीक है, तो उनके अंदर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। देखो पॉइंट्स तो यहाँ पे दिया गया है बट इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, हम आपस में समझ लेते हैं कि एक टीचर के अंदर कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए जिससे उस वो स्कूल इफेक्टिव हो सकता है और अच्छा हो सकता है। जैसे पहली क्वालिफाइड होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, दूसरा वो सपोर्टिव हो,
और थोड़ा सा सेंसिटिव भी हो चीज़ों को, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझें, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने वाला हो, उनका सम्मान करने वाला हो, हर एक बच्चों के साथ इक्वालिटी रखते हो, भेदभाव नहीं करते हो, पक्षपात नहीं करते हो, ऐसे टीचर्स के गुण होना चाहिए, पंक्चुअल हो, समय से आए, अच्छे से विषय का ज्ञान हो, तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी सबल और व्यावसायिक अध्यापक गण के अंदर, स्ट्रांग एंड प्रोफेशनल टीचर। एक बार देख लें, अगर हाई पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, मॉरल वैल्यू, नैतिकता, उनके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप देखें कि एक ब्रॉड रेंज ऑफ स्कूल, एक पढ़ाने के अलावा भी दूसरे भी स्किल्स होने चाहिए, को करिकुलम स्किल्स, लाइक कुछ अगर कोई हिस्ट्री का टीचर है तो वो एक अच्छा कहानी वक्ता होना चाहिए, अगर कोई साइंस का टीचर है या मैथ का टीचर है तो थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, लैब, इन सब, तो और भी अन्य ज्ञान भी होना चाहिए जो कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता हो। ठीक है, तो इसको आप हम लिख सकते हैं कि एक टीचर्स के अंदर क्या गुण होना चाहिए जो एक विद्यालय को प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट है बच्चों, क्लियर एंड पॉजिटिव फिलॉसफी। वास्तव में इसको फिलॉसफी की जगह पे विज़न भी लिख सकते हैं, कि दर्शन, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका आपका ध्यान कहाँ तक जा रहा है, वो क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि आपको बच्चों को किस दिशा में लेके जाना है। विद्यालय के आचरण नियमावली विद्यार्थी और अध्यापकों से उच्च कक्षाओं की मांग सम्मिलित हो। ठीक है, आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप इस सोच से पढ़ाएं, क्लियर पढ़ाएं कि इस चीज़ का यूज़ वो आगे क्लास में कर सके, आगे और बढ़ सके, आगे जाके वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। इनकरेज स्टूडेंट टू वर्क देयर पर्सनल बेस्ट, बच्चों को मोटिवेट करें, इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि वो अपना व्यक्तिगत बेस्ट दें, बेस्ट तरीके से अपना पढ़ाई करें। तो इस प्रकार से आपका विजन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों कि प्लेस एन इम्पॉर्टेंट ऑन द डिवेलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स एंड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप, या जीवन के कौशलों, सकारात्मक मूल्यों और संबंधों का विकास तथा उसके महत्व पर बल देती हो। ठीक है, तो ये हो गई, इस पॉइंट्स के अंदर आ जाएंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा अपनी भाषा में समझ लेते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है बच्चों इन्वायरमेंट के बारे में, अधिगम के अनुकूल वातावरण। बिल्कुल वही बात, वातावरण क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, बहुत शोर शराबा नहीं होना चाहिए, एक कोऑपरेटिव होना चाहिए, सुरक्षित, सेफ भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, बच्ची आ रही हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो सुरक्षित भी होना चाहिए बच्चों। लोगों के बीच में सकारात्मक संबंध स्थापित करने, एक दूसरे के साथ चिंता करने वाला होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अपना समझने और उस पर गर्व, मतलब विद्या एक ऐसा इन्वायरमेंट बने, एक ऐसा माहौल बने इस स्कूल का कि बच्चों को अपना घर जैसा लगे, अपना लगे, मतलब खुशी खुशी आए, रुचिकर हो, इंटरेस्टेड हो, एक थोड़ा सा करके सीखने वाला विद्यालय का वातावरण हो। तो इस प्रकार से वातावरण होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट करें, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रभावी विद्यार्थी कल्याण व्यवस्था। The school has the student welfare system in the place. Support and the development student full potentials. बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। विद्यार्थी के हित की बात, सिंपल सी बात है, विद्यार्थी के हित, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हो तो ऐसा नहीं कि उसको फेल कर दें, डांटें, दंडित करें, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विद्यालय के हित कार्य करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। एड्रेस डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस बाई इफेक्टिव, अगर किसी बच्चे के अंदर कोई डिफ़िकल्टीज आती है, कुछ कठिनाई आती है, तो उसको सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंतर्गत आप पाएंगे, थोड़ा समझते हैं अपनी भाषा में। नेक्स्ट है बच्चों की सबल सदृश ढांचा, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। ये थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब जैसे मैनेजमेंट जो कि टीचर्स को भी अच्छे से कंट्रोल करे, उनकी पंक्चुअलिटी चेक करे, अटेंडेंस चेक करे, सैलरी सही टाइम पे दे, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन भी एक सुदृढ़ और अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड लास्ट है बच्चों, मतलब 9 पॉइंट टोटल थे, और 8वां पॉइंट जो हमारा है कि मीनिंगफुल असेसमेंट एंड द रिपोर्टिंग ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस। इसको बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है उसकी असेसमेंट मीनिंगफुल हो, सार्थक हो, उसका सही समय पर टेस्ट हो, सही तरीके से टेस्ट हो, कितना प्रोग्रेस कर रहा है इसका रिकॉर्ड रखा जाए। प्रोवाइड क्लियर एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, एक और देखिए, लर्निंग एरियाज एंड ऑन द सोशल डिवेलपमेंट। वो बच्चा केवल पढ़ाई ही कर रहा है, रट रहा है, याद कर रहा है, या इसके अलावा भी वो कुछ चीज़ें सीख रहा है, समाज में अपने आप को स्थापित कर पा रहा है, वो चीज़ों को समझ रहा है, सही और गलत को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, इस चीज़ का भी एक सार्थक असेसमेंट होना चाहिए। लीड टू द साउंड डिसीजन अबाउट द टीचिंग अप्रोच, सभी अध्यापन उपागमों के बारे में ठोस निर्णय की ओर अग्रसर करने वाला हो। जो भी उपागम हो, जैसे कि उपागम की अगर हम बात करें तो आप टेक्नोलॉजी से वो कितना जुड़ा है, इमोशनली वो कितना जुड़ा है, फिजिकली मेंटली वो स्कूल से कितना जुड़ा है, इन सारी चीज़ों का एक सही रिपोर्ट हो, सही असेसमेंट हो। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एरिया एंड वे टू वर्क दीज इन द पार्टनरशिप विद द पेरेंट्स। आप
आइडेंटिफाई करें कि किस बच्चे के अंदर कहाँ कमी रह रही है और उसको कैसे हल करें, पेरेंट के साथ समन्वय स्थापित करके कॉपरेट करके उस चीज़ों को हल करें। ठीक है बच्चों, तो ये अंदर आता है सार्थक असेसमेंट के अंदर, मीनिंगफुल असेसमेंट के अंदर। आपका इसमें का लास्ट पॉइंट है बच्चों कि अभिभावकों की प्रतिभागिता, भागीदारी और समुदाय, मतलब आपकी कम्युनिटी, आपके पेरेंट्स किस प्रकार से बच्चों को सहयोग कर सकते हैं, उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। इसीलिए समय समय पर पीटीएम की व्यवस्था होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो कई बार किसी प्रोग्राम में आते हैं, जैसे बच्चा अगर कोई प्रेजेंटेशन कर रहा है तो उनके पेरेंट्स के भी बुलाया जाता है ताकि आप देखें समझें कि कैसा आपका बच्चा प्रतिभाग कर रहा है और आप कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई बात पेरेंट्स के लिए, इस बिंदु के अंदर आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 9 पॉइंट है टोटल, ये 9 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इतने सारे पॉइंट्स आपके पास हो गए हैं कि अगर आप ये 9 पॉइंट ना भी याद हो फिर भी अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 20-25 पॉइंट तो आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया कि वो अफेक्टिव स्कूल्स के क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक थोड़ा सा पॉइंट आउट दे दूं डिस्क्लेमर कि ये जो मैंने रेफरेंस लिया ना, वो रेफरेंस एक बुक आती है द फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, उससे मैंने इसको रेफरेंस लिया। तो चलिए इस प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। एक और अगर आप बुरा ना माने तो एक प्रश्न हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे कहा जाता है कि विद्यालय की परिवर्तित अवधारणा, चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल, कि विद्यालय की जो अवधारणा है वो कैसे बदल रही है, चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कैसे बदल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़े ही अच्छे विचार मुझे ये मिला, तो इसलिए मुझे लगा कि आप सबको बताना चाहिए। फ्रॉबेल ने विद्यालय के बारे में क्या कहा, इन्होंने कहा कि विद्यालय बच्चों का उद्यान है, ये चिल्ड्रंस का गार्डन है, बगीचा है, उद्यान है। जिस प्रकार से एक माली फूलों को सींचता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, नए नए फूल निकालता है ना, उसी प्रकार से ये शिक्षकों का काम है, विद्यालय का काम है कि बच्चों के साथ उनके स्वतंत्रता से, उनके स्वभाव से, उनकी रुचि से हम इस प्रकार पढ़ाएं कि उनका विकास हो। तो इन्होंने कहा था कि ये क्या है, बच्चों का गार्डन है। जिस तरह से बाग में माली पेड़ पौधों की खुदाई, निराई तथा सिंचाई करके उनको उत्तम फल फूल देने के तैयार करता है, उसी भांति शिक्षक को भी बच्चों के शारीरिक मानसिक और सामाजिक नैतिक आदि विकास के लिए उनका पालन पोषण करना चाहिए। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है आजकल, कैसे कॉन्सेप्ट जो था स्कूल के कॉन्सेप्ट वो कैसे बदल गए हैं, इसके बारे में देखिए यहाँ पे पेस्टोलॉजी ने क्या लिखा था। पेस्टोलॉजी जो थे ना, पेस्टोलॉजी वास्तव में ये इस स्वतंत्र शिक्षा पे बड़ा बल, उन्होंने कहा कि आप केवल स्कूल से वो थोड़ा सा अलग रहते थे। उन्होंने कहा कि आजकल के जो स्कूल हैं वो बच्चों को, इनके शब्दों में, ये विद्यालय अमनोवैज्ञानिक है, ठीक है, अमनोवैज्ञानिक है, जो बालक को उसके स्वाभाविक जीवन से दूर कर देते हैं, उनकी स्वतंत्रता को निरंकुशता से रोकते हैं और उनसे अनाकर्षण बातों को याद करने के लिए भेड़ों के समान हाँकते हैं और घंटों, दिनों, सप्ताहों, महीनों तक और वर्षों तक दर्दनाक जंजीरों से बात देते हैं। ये जो पेस्टोलॉजी है ना, इन्होंने स्वतंत्र शिक्षा पे बल दिया, विद्यालय मुक्त शिक्षा पे बल दिया था कि बिना विद्यालय के बच्चों को पढ़ाया जाए, स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाए। तो उन्होंने इस विद्यालय सिस्टम की कड़ी निंदा करी। तो ये अगर आप देखेंगे कि कैसे विद्यालय का स्वरूप बदलता जा रहा है, वास्तव में विद्यालय कैसा होना चाहिए और कैसे विद्यालय का स्वरूप बदलता जा रहा है, आप मोस्टली अगर प्राइवेट स्कूल्स में देखेंगे तो कैसे चीज़ों को बदलती जा रही है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ये थी ओवरऑल, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं कभी नहीं कहता हूँ, मैं लास्ट में कहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक, अगर नहीं जुड़ा है चैनल से तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, आप लाइक कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कैसे लगी वीडियो, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, आपके अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए, जय हिंद जय भारत साथी।